अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पे हैं जिस पे आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर देना है पर आप नहीं चाहते अपना पर्सनल नंबर देना, तो आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उससे आप बिना अपना नंबर दिए हुए भी उस साइट को एक्सेस कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मिस्टर साइबर नॉट यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। ये तरीका मैं आपको पीसी पे करके दिखा रहा हूँ पर आप इसको अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस वेबसाइट पे जाना है वो है receiveSMS.co। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप एक टेम्पररी नंबर अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और फ्यूचर में उसमें अगर कोई SMS वेरिफिकेशन के लिए आए या कुछ भी आए तो उसको आप देख भी सकते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक कंट्री की लिस्ट है और उसके आगे अवेलेबल नंबर्स दिखा रहे हैं कि कितने हैं। इस लिस्ट में से आपको जिस भी कंट्री का नंबर चाहिए उस पर आप चले जाइए। मैं USA पे चला जाता हूँ जहाँ 12 नंबर्स लिखा है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए USA के इतने सारे नंबर्स, 12 नंबर्स जो वहाँ लिखे थे, अलग अलग नंबर्स हैं। जो सा भी आपको सही लगे नंबर, मैं पहले वाले पे ही चला जाता हूँ। उस नंबर को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे रीड रिसीव्ड SMS पे क्लिक कर दीजिए। अब इस मोबाइल नंबर को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना फ़ोन नंबर डालना था। आप उस किसी भी वेबसाइट पर जाके ये नंबर डालिए और फिर यहाँ पर जो भी मैसेज आपको मिलेंगे वो आप यहाँ नीचे देख पाएंगे। कोई नया मैसेज आया तो आप इसको अपडेट मैसेज पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस नंबर को आप प्राइवेट यूज़ में मत लाइएगा। मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इस नंबर को आपके तरह ही दुनिया के अलग अलग कोने से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। और देखिए यहाँ नीचे आप देख भी सकते हैं कि इस नंबर को और भी लोगों ने यूज़ किया है 9 मिनट पहले, 11 मिनट पहले, और किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया है उनके मैसेजेस भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट यूज़ के लिए अगर इसको लाएंगे नंबर को, तो आपका आपका जो भी मैसेज आएगा वो कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ देखिए किसी ने इसको गूगल अकाउंट के लिए यूज़ किया है, कुछ लोगों ने पेपाल के लिए यूज़ किया है। तो ऐसे ही जो भी आपको मैसेज आएगा यहाँ आप अपडेट मैसेज पे क्लिक कर देंगे और फिर जो भी नया मैसेज आया होगा, हो सकता है इसी में जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आपका भी वेरिफिकेशन कोड यहीं पर दिखेगा, यहीं से आप कोड डाल के फिर उस साइट को एक्सेस कर पाएंगे। मोबाइल नंबर की तरह अगर आपको किसी जगह वेरिफिकेशन में ईमेल एड्रेस डाल के वेरीफाई करना हो और उसमें भी अगर आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी नहीं देना चाह रहे हो तो आप टेम्परेरी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेरी मेल को जनरेट करने के लिए आपको जिस वेबसाइट का यूज़ करना है वो है tempmail.org। पहले उस वेबसाइट पर चले जाते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा UI देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पिछले वाले की तरह कोई कंट्री नहीं सेलेक्ट करना है। खुलते ही आपका यहाँ पे टेम्परेरी ईमेल आईडी आपको दिखाने लगेगा। इसको आप यहाँ से जाके कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको जहाँ पर भी इसको यूज़ करना है वहाँ आप कर सकते हैं। इसके बाद इस पे आपका जो भी ईमेल आएगा वो आपको यहीं पे नीचे दिख जाएगा। अभी जैसे हमने इसको कहीं यूज़ नहीं किया है इसलिए हमारा इनबॉक्स एम्प्टी दिखा रहा है। जब भी कोई मेल आएगा आप यहीं से इसको देख सकते हैं। तो ये तरीके थे जिससे आप अपने लिए टेम्परेरी फ़ोन नंबर या फिर टेम्परेरी ईमेल जनरेट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के काम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।